इफेक्ट नहीं होता। ओके अस्सलाम वालेकुम, मुल्तान टुडे से मैं हूँ आपका होस्ट खिज़र यातमून। आप देख रहे हैं मुल्तान टुडे, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दी ताकि आप रहें हमारे साथ साथ। हकीम शहजाद के बारे में बात करना चाहूँगा। हकीम शहजाद ने कुछ ऐसी वीडियोज़ टिकटॉक पर लगाई जो मैं ये कहूँगा कि लगाने के काबिल नहीं थी, ऐसी गुफ्तगू की जो नाज़ेबा थी, जिस पर वो आजकल FIA की हिरासत में हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि हम हकीम शहजाद लोहापार वो 5 रोज़ा रिमांड पर हैं, और इस दौरान जो उनके मुदई हैं अंसर आफ्ताब जर्नलिस्ट हैं मुजफ्फरगढ़ से, उनके नाम हकीम शहजाद लोहापार की बेटी ने एक पैगाम दिया है। आइए पहले वो सुनते हैं फिर उस पर बात करेंगे। जो कहते हैं, जो हकीम शहजाद का नाम भी ले लेते हैं, मतलब कि मेरे बाबा का नाम भी ले लेते हैं, फिर कहते हैं जो भी है मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अंकल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मेरी मेन बात जो है वो ये है, आपने मुझे मेरे बाबा को माफ कर दिया था, आपने दिल से माफ कर दिया था। अगर आप दिल से माफ करते ना तो आज आप मेरे बाबा के खिलाफ खड़े ना होते, और अल्लाह ताला भी माफ कर देता है, आप तो फिर भी इंसान है। मेरे बाबा से गलती हो गई है, मेरे बाबा ने माफी मांगी है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, अब तो प्लीज मेरे बाबा को माफ कर दे प्लीज। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। ओके जी, हकीम शहजाद की इस फूल सी बेटी ने अंसर आफ्ताब के नाम ये पैगाम दिया है जो आपने सुना और देखा। अब जाते हैं अंसर इकबाल की तरफ, वो इसके जवाब में क्या कहते हैं। आप मेरी प्यारी सी बच्ची हैं, बेटी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप हकीम शहजाद की बेटी हैं तो हमारी भी बेटी हैं। बेटा शायद आपको किसी ने ये बता दिया होगा कि मैं बहुत जालिम इंसान हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपके वालिद को माफ़ कर दिया था, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर माफ़ कर दिया था। उस वक्त माफ़ किया था जिस वक्त वो मेरे पास मुजफ्फरगढ़ आए थे, और उसके बाद जो उन्होंने बातें शुरू की और मुझे गालियां देते रहे, मैंने तो आपको किसी किस्म की कोई गाली नहीं दी। इसने, आपके पापा ने मेरी बेटियों को गालियां दी हैं, मेरी बहनों को गालियां दी हैं, मेरी वालदा को गालियां दी हैं। मैं फिर भी खामोश रहा, मैं सिर्फ वीडियोस बनाता था, लेकिन उसके ऊपर मैंने कभी गाली गलौज नहीं किया। दूसरी बात यह है बेटा कि मैं आपको एक बात बता दूं कि आज आपके वालिद साहब जो हैं सिर्फ उनके करीबी दोस्तों की वजह से ही इस अंजाम पर पहुंचे हुए। जी, अंसर आफ्ताब के नाम जो बच्ची ने एक मैसेज दिया और वो आपने सुना, और उसके बाद अंसर आफ्ताब का मैसेज। तो मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप मुल्तान टुडे को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए फेसबुक पेज को, और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि ऐसे मालूमती खबरें और ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बाकी मैं बताता चलूँ कि साउथ पंजाब के जो बाकी टिकटॉकर्स हजरात हैं उनको भी होश के आंखों लेने चाहिए। नाज़ेबा गुफ्तगू जैसे आलम जान हैं और काफ़ी मेल फीमेल ऐसे टिकटॉकर हैं जो वल्गर वीडियोज़ लगाते हैं और नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं टिकटॉक पे, किसी भी सोशल मीडिया पे आप ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू ना क्या करें। हमारा मैसेज आप तक है, और मज़ीद खबरों के लिए अपडेट्स के लिए अगेन ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप रहें हमारे साथ साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मुल्तान टुडे, हर दिल की आवाज़।